नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके चचना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीन वनडे की सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 32.2 ओवर में तीसरा विकेट गिरने तक 156 रन बना लिए थे। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव अभी खेल रहे हैं। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार सुबह एक बार फिर से शुरू हुई। मध्य प्रदेश में आज यात्रा का तीसरा दिन है। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता चल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे से खरगोन जिले के खेड़दा गांव से हुई है। यहां से यात्रा खरगोन पहुंची। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान भी पहुंचेगी। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं, उनके पास 10 विधायक भी नहीं है। जिसने बगावत की हो और जिसे गद्दार नाम दिया गया है उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। गहलोत के बयान का जवाब देते हुए पायलट ने कहा है कि वे पहले भी मुझे नाकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं। उन्होंने मुझ पर जो भी आरोप लगाए हैं वे सब बेबुनियाद हैं। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को कोका कोला को बेचने के करीब 3 दशक बाद में बिस्लरी इंटरनेशनल को नया मालिक मिलने वाला है। बिस्लरी के चेयरमैन रमेश चौहान ने बताया है कि वह अपने पैकेज पानी के कारोबार के लिए एक खरीदार की तलाश कर रहे हैं और टाटा कंज्यूमर सहित कई प्लेयर्स से बात कर रहे हैं, लेकिन टाटा के साथ 7,000 करोड़ की डील अभी फाइनल नहीं हुई है।